यूक्रेन और रूस के बीच पिछले कई हफ्तों से तनाव चरम पर है। अब यूक्रेन में जंग जैसे हालात बन गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी है। रूस के इस फैसले से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पश्चिमी देशों की आशंका के बीच तनाव और बढ़ेगा। भारत इन खतरों को देखते हुए यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने की योजना बना रहा है। केंद्र सरकार ने कई एयरलाइन कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है। योजना के तहत सरकार यूक्रेन तक अतिरिक्त उड़ानें भेजेगी और भारतीय नागरिकों को भारत लाने की सुविधा मुहैया कराएगी। यूक्रेन के दो क्षेत्रों को अलग देश के रूप में मान्यता देने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सेना को उन दोनों इलाकों में भेजने का ऑर्डर भी जारी कर दिया है। अब रूसी सेना डंटस और लुगांसक क्षेत्र में जाएगी जहां यूक्रेन विरोधी और रूसी समर्थक मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को पेगासस मुद्दे पर पिछले साल 27 अक्टूबर के बाद पहली बार याचिकाओं के एक बेंच पर सुनवाई करेगा। तब अदालत ने भारत में कुछ लोगों की निगरानी के लिए इजरायली सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों के 3 सदस्यीय पैनल के गठन का आदेश दिया था। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने सत्तारूढ़ दल बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि साल 2015 के पाटीदार आंदोलन के दौरान दर्ज किए सभी आपराधिक मामले अगर 23 मार्च तक वापस नहीं लिए गए तो वो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। दरअसल साल 2015 में पाटीदार समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत रिजर्वेशन की मांग को लेकर आंदोलन हुआ था, जिसके बाद कई युवाओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। इस साल मॉनसून के सामान्य रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काई मेट ने कहा है कि 2022 में मॉनसून की शुरुआत जबरदस्त होगी और सीजन का अंत सामान्य के आसपास 96 से 104% के साथ होगा। औसतन 880.6 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। एजेंसी ने कहा कि मॉनसून के व्यापक पूर्वानुमान के लिए वह जरूरी आंकड़े जुटा रही है, उसके बाद अप्रैल में वह विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले अब दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,405 नए केस सामने आए हैं और 673 लोगों की मौत हो गई है। कल 19,968 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कल की तुलना में आज मामले घटे हैं। देश में पिछले दिन 37,901 लोग ठीक हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव की खबरों के चलते मंगलवार को शेयर बाजार की शुरुआत बेहद खराब रही। बीएसई का सेंसेक्स 1000 अंक टूटकर 57,000 के स्तर के नीचे खुला। वहीं एनएससी के निफ्टी सूचकांक ने भी 299 अंकों की भारी गिरावट के साथ 17,000 के नीचे आकर कारोबार किया। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।